नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है 20। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक बेहद अच्छा सा आर्ट एंड क्राफ्ट लेके आया हूँ जिसको करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं वीडियो के आखिरी में बता रहा हूँ, सबसे खास बात ये है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट कोई भी कर सकता है। अक्सर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी को कुछ गिफ्ट करते टाइम में, मोस्टली जब हम किसी को स्कूल में कुछ देना चाह रहे हो या फिर कोई अपना बहुत स्पेशल फ्रेंड हो उसको देने के लिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम उसको गिफ्ट क्या करें। तो मोस्टली मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हो और वो आपका हैंडमेड होता है तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और जो कोई उसको लेता है तो वो उसको कुछ दिन तक केयर भी करता है कि हाँ ये हैंडमेड चीज़ है और ये काफ़ी मेहनत से बना होगा और वो बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसको बनाने में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए और कितना टाइम लगेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें एक ब्लू और एक रेड, ये दो पेपर मेन है जो हमें चाहिए, और इसको बनाने के लिए बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेगा आपको। मुझे 5 मिनट लगेगा, आपको 10 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप इसको क्रिएटिव बनाने के लिए कि इसमें किस किस तरीके के और कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेपर यूज़ करते हो। तो चलो दोस्तों, इसको बनाने का तरीका जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। ब्लू एंड रेड पेपर है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसको एक के ऊपर रखूँगा इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे ये मेरे दोनों पेपर एक दूसरे को कवर कर ले रहा है। तो ये इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें बेस कौन से पेपर को रखना है। तो ये जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये रेड वाला पेपर मेरा काफ़ी हल्का है और ये ब्लू वाला थोड़ा सा मोटा है। ये कार्ट्रिज चार्ट पेपर है और ये नॉर्मल चार्ट पेपर है। इन दोनों का साइज़ A3 है मेरे पास जो पेपर है। आपके पास में A4 है तो आप A4 से भी बना सकते हो, बट वो थोड़ा सा छोटा बनेगा। तो जो मेरा रेड वाला पेपर है मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँगा और अपना ब्लू वाला पेपर इसको नीचे की तरफ रखूँगा। तो ये पेपर बड़ा हो रहा है एक दूसरे से, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्केल लेकर के इसके चारों तरफ से इसको 2-2 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने 2-2 सेंटीमीटर नाप के इसमें से ये पूरा काट के निकाल लिया है। अब ये मेरा पेपर जो है ये इस पेपर के ऊपर में आराम से कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को, ठीक। आप इसके चारों तरफ देख रहे होंगे ब्लू कलर की बाउंड्री आ गई है, रेड पेपर आपका अंदर में आ गया और ये देखने में वैसे ही काफी अच्छा लगने लग गया होगा। अब सिंपल सा हमको क्या करना है, ब्लू पेपर के साथ हमें कुछ नहीं करना है, इसको साइड में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये रेड पेपर है हार्ट में इसमें बना रहा हूँ, रेड पेपर में आप देखोगे इसमें हार्ट दिख रहा होगा। तो हार्ट की शेप में इसमें ड्रॉ करना है। हार्ट का शेप ड्रॉ करने के बाद में आपको 3 हार्ट ड्रॉ करने हैं। ऊपर में जो रखोगे इसको छोटा रखना है, बीच में जो रखोगे इसे बड़ा रखना है, और जो इसके नीचे रखोगे वो भी छोटा रखना है। और ये हाफ हार्ट, जो भी हार्ट आप ड्रॉ करोगे वो भी हाफ ड्रॉ करना है, पूरा नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि आप पेपर को फोल्ड कर रखे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब ये आपके हार्ट ड्रॉ हो जाएंगे आपको सिंपली एक लेना है स्केल, स्केल से आपको हार्ट की टोटल लंबाई नापनी है कितनी है। मेरे इसमें 11 सेंटीमीटर आ रहे थे, 11 सेंटीमीटर को मैं हाफ करता हूँ 5.5 सेंटीमीटर होगा मेरा। तो जो इसका 5.5 सेंटीमीटर पे आएगा प्लेस, वहाँ पे एक हल्का सा मार्किंग करना है और उसके स्ट्रेट में एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे इसकी कम से कम 1 सेंटीमीटर रखना लेंथ। जब आप 1 सेंटीमीटर इसमें लेंथ छोड़ दोगे, जब आप इसकी कटिंग करोगे, वो जो 1 सेंटीमीटर आपका बचा हुआ है वहाँ से आप इसको कनेक्ट रख सकते हो। ये आपका एक पॉपअप टाइप का कार्ड बनेगा जो कि मैं आपको आगे प्रोसेस में दिखाता हूँ कि बनने के बाद कैसा दिखेगा।
फिर आपको जो बड़ा वाला ब्लू पेपर आपने लिया था उसके ऊपर में कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना है चारों तरफ से इसको नाप के, जिससे कि सेंटर में दिखे। यहाँ पे जो लाइनें छूट रही है ज़्यादा ना छूटे आपकी, और जैसे ही आप इसको बंद करोगे आप देखोगे आपका पॉपअप कार्ड तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये कार्ड आपका बंद होएगा। पहले मैं इस पेपर को फोल्ड कर लेता हूँ बीच में से इक्वल। ये ऑलमोस्ट आपने पहले ही फोल्ड किया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपके हार्ट्स हैं इनको अंदर की तरफ निकाल लेना है सारे। हार्ट और आर्ट से मेरा गहरा रिलेशन है दोस्तों, आप नहीं समझोगे इसको। जब आप अंदर की तरफ सारे हार्ट को कर दोगे तो आपका ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और जब आप कार्ड खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के बाहर आपको उभर के आएगा। दिस इज अ हैंडमेड पॉपअप कार्ड। तो दोस्तों 5 मिनट का एक क्राफ्ट है, करना कुछ नहीं है। अब इसके अंदर में फेविकोल लगा के आपको पेस्ट कर लेना है। इसके पेस्टिंग में भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। आप इसको ऐसी आँख बंद करके नहीं फेविकोल लगा के इसको पेस्ट कर सकते हो। इसको पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फेविकोल अपने इसके सेंटर में 2 या 3 बूंद लगानी होंगी, वो भी वहाँ वहाँ पे जहाँ पे आपका ये पेपर है। अगर आपने गलती से भी ये अंदर वाले हार्ट को पेस्ट कर दिया तो वो पॉपअप में नहीं निकलेगा। अब मैं आपको ये पूरा फेविकोल लगा के दिखा देता हूँ, जब तक बने रहिए। ये रहा आपका ब्यूटीफुल सा कार्ड। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी और डेकोरेशन करने के लिए मार्बल्स लगा सकते हैं, स्टोन ग्लासेस लगा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है मेरे पास। बट मैं इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये दूसरे कलर का मैं चार्ट पेपर यूज़ करूँगा। इसमें भी सेम मेरे को वही करना है, छोटे छोटे कई सारे आर्ट हार्ट ड्रॉ करके कट करके इसमें पेस्ट करना है। तो चलो दोस्तों उसको भी कट कर लेते हैं फटाक से जल्दी से। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो, एक कागज का टुकड़ा मैं कई दिनों से आप लोगों के सामने यूज कर रहा हूँ रोज। एज वेल मैं हर एक अपने वीडियो में आप लोगों से बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे लिए कोई भी कागज का टुकड़ा वेस्ट नहीं है, सब मेरे आर्ट ऑफ पीस का काम है। कहीं ना कहीं ये मैं इनको यूज कर ही लूंगा। और दूसरी बात है दोस्तों, पेपर बचाना भी चाहिए। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ ही रहा है धरती पे, लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से। अगर आपको ये आर्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों ये खूबसूरत सा कार्ड देख के आपकी गर्लफ्रेंड पक्का खुश हो जाएगी, या फिर आप जिसको भी दे रहे हो वो देख के एक बार खुश हो जाएगा कि आपने खुद से बनाया है और ये काफ़ी सुंदर भी है। दूसरा, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लैंक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसके साथ में जो भी क्रिएटिव और भी बढ़िया क्रिएटिव आर्ट इसके साथ में करते हो, आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे उसकी फ़ोटो सेंड कर सकते हो, जो कि मैं अपने पोस्ट में डालूंगा, और मे भी लोग उसको पसंद भी करें मेरे से ज़्यादा।
तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों से कितने लोग इस क्रिएटिव आइडिया को यूज़ करते हो और अपने किसी जानने वाले को इम्प्रेस करते हो। थैंक यू।